बात कर रहे थे कि बहुत बड़े कोई ट्रिगर्स हैं और अर्निंग्स ऑलमोस्ट सारी हो रही है। कल निफ्टी कंपनीज के, मारुति और पावर ग्रिड के बाद ही निफ्टी अर्निंग्स सारी पूरी हो गई। अब जब अर्निंग्स भी पूरी हो गई, बाजार के पास फिर और किस तरह के क्या लैकलस्टर ट्रेड रहेगा अभी? अगर बढ़ने के रीज़न नहीं है, घटने के रीज़न नहीं है, तो क्या हम रेंज बाउंड सेशन ज़्यादा वो देखेंगे बहुत ऑगस्ट अच्छी खबर है अगर आप देखें कि मार्केट मार्केट में कैपिटल गेन रोज नहीं होता है। ये इट इज़ नॉट, यू विल नॉट मेक मनी ऑन अ डेली बेसिस, में? बट एज लॉन्ग एज यू आर इन अ मार्केट वेयर यू आर नॉट लूजिंग टू मच ऑफ योर अक्वायर्ड गेन्स, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मार्केट। आई थिंक इस लेवल पर हम अगर मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं देखते हैं और अगस्त का महीना अगर यू नो 3-4% ऊपर नीचे में निकल जाता है और टोटल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है, वॉलिटिलिटी ज़्यादा नहीं रहती है, आई थिंक दैट इज़ अ फैंटास्टिक आउटकम। आप 5 महीने से लगातार ऊपर बढ़ें, करेक्ट। आप 5 महीने से लगातार ऊपर बढ़े हैं तो भाई कहीं ना कहीं तो थकेंगे हारेंगे, तो वो तो होगा ही होगा। गुड मॉर्निंग हाँ निकुल सर, सर, एक क्रूड $85 के आसपास आ चुका है, कुछ इसका इम्पैक्ट होगा मार्केट्स पे? कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर इसको भी इग्नोर करेंगे इस लिक्विडिटी वाली बुल रन के अंदर हम? देखिए क्रूड का ऊपर जाना एक लिमिट के ऊपर भारत के लिए हमेशा खराब बात है, और वही मैं बता रहा था कि मार्केट में अगर आप देखिए तो भले ही वो क्रूड हो, भले ही वो कॉपर हो, भले ही वो मेटल्स हो, सब के अंदर हम देख रहे हैं कि तेजी देखने को मिल रही है। तो क्रूड का ऊपर जाना फिर वही चक्र दोबारा चालू हो जाएगा, ओएमसीज के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या विंडफॉल गेन वापस आ जाएगा। आपकी मैक्रो इस समय इतनी ख़राब नहीं है डिम्पी, तो 2020-22 में जिस प्रकार के क्रूड की वजह से बाज़ार घबराया था, मुझे नहीं लगता है कि बाज़ार उस तरह से घबराएगा। मगर क्रूड का ऊपर जाना और क्रूड से ज़्यादा अगर दूसरे मेटल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, दूसरी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो ज़्यादा यू नो मेरे हिसाब से चिंता का विषय। मुझे एक सेंस आ रहा है लोगों से बातचीत करके जो इंडस्ट्री में हैं, जो चार्ट्स देखते हैं, जो काफ़ी समय तक दिग्गज निवेशक हैं, कि अगला 3 से 4 महीना आई थिंक विल बी डोमिनेटेड बाय कमोडिटी प्रोड्यूसर्स रादर देन कमोडिटी कंज्यूमर्स।